हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज का जो ये वीडियो लेक्चर है ये बेस्ड है स्प्लिटिंग पर, यानी कि हम करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग करी थी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर, और अब हम करने वाले हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। तो उस पर चलने से पहले, अगर किसी स्टूडेंट ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है एंड चैनल को सब्सक्राइब करना चाहते हैं, तो मेरे चैनल का नाम है शौर्य ग्रोवर, और जस्ट मेरे वीडियो के जहाँ पर वीडियो प्ले हो रही है ना, उसके नीचे आपको एक बेल आइकन का ऑप्शन देखने को मिलेगा। बेल आइकन को प्रेस करोगे तो नेक्स्ट वीडियो डल चुकी है ये नोटिफिकेशन आपकी स्क्रीन्स पर खुद ब खुद आ जाएंगी, तो बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। अब हम चलते हैं, हमारा जो कॉम्प्लेक्स है वो है टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। देखिए डियर स्टूडेंट्स, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर एक जनरल क्वेश्चन आपसे अगर मैं पूछूं, तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है? जब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। इतना तो क्लियर है, इतना पता है। ऑक्टाहेड्रल के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर हमारा क्या होता है? 6 होता है। और टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है कोऑर्डिनेशन नंबर होता है 4। अब मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में भी ये चीज़ बताई थी, बेसिकली क्या होता है, हमारे पास एक सेंट्रल मेटल एटम होता है और एक लीगेंड होता है। बेसिकली क्या होता है, एक सेंट्रल मेटल एटम के पास होते हैं वेकेंट डी ऑर्बिटल्स, जिसके कारण क्या होता है, बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है विद द लीगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स। अब देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग या क्रिस्टल फील्ड थ्योरी में हमने ऑक्टाहेड्रल के केस में क्या देखा था, मैंने आपको बोला था अभी हम डी ऑर्बिटल्स को 5 तरीके से बना सकते हैं। डी ऑर्बिटल्स टोटल 5 टाइप्स के होते हैं। डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं, कौन से? डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वेयर, डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। ये 5 ऑर्बिटल्स होते हैं और इनकी शेप भी मैंने आपको बताई थी। अगर मैं डी एक्स वाई की शेप की बात करती हूँ, मैं कहूँ मेरा ये एक्स एक्सिस है, ये मेरा वाई एक्सिस है, तो डी एक्स वाई कैसे बनता है? ये जो लोब्स होते हैं ये इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, मतलब ये एक्सिस और इस एक्सिस के बीच में बनते हैं कुछ इस प्रकार से। ये डी एक्स वाई हो गया, डी वाई जेड किन के बीच में बनता है? वाई जेड प्लेन के बीच में जब लोब्स बने कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या हो जाएगा, डी वाई जेड हो जाएगा। डी जेड एक्स की अगर मैं बात करूँ तो जी जेड एक्स में क्या होता है, एक एक्सिस एक्स होती है, दूसरी जेड होती है, और ये भी क्या बनते हैं, इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं। तो जो इन बिटवीन द एक्सिस लोब बनते हैं, ये वाली जो कैटेगरी होती है, ये वाली जो हमारी कैटेगरी होती है डियर स्टूडेंट्स, ये कैटेगरी कहलाती है T2G। ये कौन सी कहलाती है? T2G कहलाती है। और अगर मैं डी जेड स्क्वेयर और डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर बनाऊँ, तो डी जेड स्क्वेयर कुछ किस प्रकार से दिखेगा, ये जेड एक्सिस होती है, ये अपनी x भी हो सकती है, y भी हो सकती है, ये प्रीवियस लेक्चर में भी रिपीट किया था और प्लस वन का भी टॉपिक है। अब डी जेड स्क्वेयर में जो लोब बनता है वो ऑन द एक्सिस बनता है कुछ इस प्रकार से। डी जेड स्क्वेयर में क्या है, z के ऊपर एक तो लोब ऐसा होगा और एक अराउंड द न्यूक्लियस ऐसा होगा, तो ये ऑन द एक्सिस बन रहा है और ये इन बिटवीन द एक्सिस बन रहा था, ये किसका है, डी जेड स्क्वेयर का। और जो हमारा एक और तरह का जो हमें डी ऑर्बिटल देखने को मिलता है वो है डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। वो किस प्रकार से मिलता है, वो भी ऑन द एक्सिस मिलता है, एक्स एक्सिस के ऊपर लोब है एक, और दूसरा लोब किसके ऊपर है, वाई एक्सिस के ऊपर है, तो ये है हमारा डी एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो ऐसे मतलब ऑर्बिटल्स जिनके अंदर हमें लोब्स जो हैं इन बिटवीन द एक्सिस, मतलब एक्सिस के बीच में देखने को मिलते हैं, वो T2G कहलाते हैं, लेकिन जो ऑन द एक्सिस देखने को मिलते हैं वो EG कहलाते हैं। अब इस चीज़ को दोबारा से समझते हैं कैसे। देखिए, मैं ये नीचे चीज़ें दोबारा क्यों रिपीट कर रही हूँ, प्रीवियस लेक्चर में करवा दिया था, लेकिन कई ऐसे नए स्टूडेंट्स भी आते हैं जिन्होंने सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग किस में देखनी है, टेट्राहेड्रल में, तो वो सीधा यही वीडियो खोलेंगे, तो उनको मैं यहाँ पर एक बार क्विक रिविजन दे रही हूँ भी क्या चीज़ होती है। तो बेसिकली देखिए, डी ऑर्बिटल्स जितने भी होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, 5 डी ऑर्बिटल्स होते हैं, इन 5 डी ऑर्बिटल्स की, यानी कि जैसे ये वाला हो गया डी एक्स वाई, ये वाला हो गया डी वाई जेड, ये वाला हो गया डी जेड एक्स, ये वाला हो गया डी जेड स्क्वायर, और लास्ट वाला हो जाएगा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये 5 ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होती है, सेम होती है एनर्जी, सेम जिन ऑर्बिटल्स की होती है
उन ऑर्बिटल्स को हम बोलते हैं डी जेनरेट ऑर्बिटल्स। उन ऑर्बिटल्स को हम क्या बोलते हैं? डी जेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं। अब बताओ डियर स्टूडेंट्स, ये टी टू जी और ई जी नाम कहाँ से आया? क्वेश्चन ये राइज करता है, बी ए टी टू जी नाम और ई जी नाम कहाँ से आया? तो इस चीज़ को ध्यान से समझिए। मैंने बोला डी ऑर्बिटल्स की सारों की एनर्जी क्या है? सेम है, तो डी जेनरेट कहलाते हैं। लेकिन लेकिन जब एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है, आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, जब एक कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन होती है तो सेंट्रल मेटल एटम के पास ये वेकेंट डी ऑर्बिटल है, ये पांचों डी ऑर्बिटल होते हैं। जैसे ही लीगेंड इनके पास पहुंचता है, सेंट्रल मेटल एटम के पास, अब कितने लीगेंड आएंगे? कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, मतलब चार लीगेंड इसके पास आएंगे। तो जब चार लीगेंड डियर स्टूडेंट्स इसके पास आते हैं ना, तो क्या होती है, मेटल के पास जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स पहले से प्रेजेंट होते हैं। वेकेंट डी ऑर्बिटल तो होंगे ही होंगे, लेकिन उससे पहले भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। तो उन इलेक्ट्रॉन्स के कारण और इन लीगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स के कारण क्या होगी? रिपल्शन शुरू होगी, जिसकी वजह से जो ये हमारे एनर्जी लेवल है ना, इन सबका वो सेम नहीं रहेगा, वो स्प्लिट हो जाएगा। वो दो तरह से स्प्लिट होगा, एक टी टू जी ऑर्बिटल्स बन जाएंगे और एक ई जी ऑर्बिटल्स बन जाएंगे। तो टी टू जी हमारे कौन से होते हैं? हमारे ये होते हैं, और ई जी हमारे ये होते हैं, जो कि मैं अभी आपको स्प्लिटिंग डायग्राम से भी समझाऊंगी। तो अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके पहले आप इसको नोट करोगे। अब जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, मैं इसे एक बार इरेज ही कर देती हूँ। जैसे कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, टेट्राहेड्रल का केस है और हम देख रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, हम देख रहे हैं क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। तो इस चीज़ को ध्यान से समझिएगा, डी ऑर्बिटल्स बता दिए। अब अगर मैं इन डी ऑर्बिटल्स को एक साथ रिप्रेजेंट करने को दिखाती हूँ, एक साथ रिप्रेजेंट करूँगी, इसका मतलब क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। मान लो मैं बोलती हूँ ये जेड एक्सिस है मेरी, देखो ये मैंने जेड एक्सिस क्यों बोला, जो अपन फ्लैट लेनी होती है वो एक्स लेते हैं, ठीक है, ऊपर वाली वाई लेते हैं, सामने वाली जेड लेते हैं। तो हम ये बता रहे हैं, ज्यूम करके चल रहे हैं। तो मैं मान लो कहती हूँ ये मेरी जेड एक्सिस है ऐसे वाली, ठीक है, एक्स एक्सिस अगर मेरी ये एक्स है तो ये मेरी माइनस एक्स होगी। ये मैंने क्यों कहा, मैथमेटिक्स के अकॉर्डिंगली अगर ये एक्स है तो ये माइनस एक्स होता है, ये ओरिजिन, ये वाई है तो ये माइनस वाई होता है, वैसे बोल रही हूँ। लेट करो बी ये एक्स एक्सिस ऐसे जा रही है, जेड एक्सिस ऐसे है और ये हमारी y एक्सिस है और यहाँ पर क्या है, माइनस वाई है ये, ठीक है, ये z है तो ये क्या होगा, माइनस z एक्सिस। अब ये मैंने क्या बनाया, सेंट्रल मेटल एटम यहाँ पर शो कर रही हूँ। सेंट्रल मेटल एटम के पास होते हैं डियर स्टूडेंट्स पांच डी ऑर्बिटल्स, कौन से डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो अब यहाँ पर देखिए डी जेड स्क्वायर क्या होगा, जो जेड एक्सिस पे लोब होता है कुछ इस प्रकार से, ये थोड़ा बाहर की तरफ आ गया ना, एक बार ना इसको दोबारा से हल्का सा इरेज करके बना के दिखाती हूँ। हाँ जी, ध्यान से देखिएगा, मैं उन्हीं लोब्स को एक साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, सिंपल सी चीज़ है, उन्हीं लोब्स को मैं एक साथ रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो देखो ये डी जेड स्क्वायर बन गया, मतलब एक ऐसे बनता है ना और एक लोब ऐसे बनता है। सेकेंड देखना, अब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर किस पे बनता है, ऑन द एक्सिस, तो ये वाई एक्सिस पे भी बनेगा और ये इधर हमारा एक्स एक्सिस पे भी बनेगा। तो ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बन गया, ये डी जेड स्क्वायर बन गया। अब डियर स्टूडेंट्स, जो अपना डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, वो कहाँ बनता है, इनके बीच में, मतलब अगर वो बनेगा, बना के नहीं दिखा रही लेकिन वो बनेगा तो वैसे बनेगा इन बिटवीन द एक्सिस, जैसे ये वाई और एक्स एक्सिस है तो इसके बीच में जो बनेगा वो डी एक्स वाई बन जाएगा, जेड और वाई के बीच में बनेगा जो वो डी वाई जेड बन जाएगा, इस प्रकार से। तो पांचों हम डी ऑर्बिटल्स इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब मैंने बोला कोऑर्डिनेशन नंबर चार है, मतलब चार इसके पास क्या आएंगे, देखो अभी ये सेंट्रल मेटल एटम बना दिया जिसके पास डी ऑर्बिटल्स थे, तो कैसे डी ऑर्बिटल्स थे, पांच डी ऑर्बिटल्स थे। अब क्या हुआ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ से टेट्राहेड्रल का केस है तो कोऑर्डिनेशन नंबर चार है। कोऑर्डिनेशन नंबर चार कब होता है, जब चार लीगेंड्स प्रेजेंट होते हैं। अब चार लीगेंड्स इसके पास आ गए इसके साथ बॉन्ड बनाने के लिए, जैसे ही लीगेंड्स इसके पास आए तो इसके पास कुछ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स और इस लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हुई तो इसकी एनर्जी क्या है, कुछ बढ़ गई। अभी भी सारों की एनर्जी सेम है, समझो इस चीज़ को, अभी लीगेंड्स बहुत पास नहीं आए, थोड़े से पास आए, मतलब लीगेंड्स ने बॉन्डिंग करनी शुरू ही करी है तो थोड़े से पास आए, तो इन दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, सेंट्रल मेटल एटम के इलेक्ट्रॉन्स और लीगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में हुई रिपल्शन। ध्यान से देखेंगे, ये सेंट्रल मेटल एटम बनाया है, सेंट्रल मेटल एटम के डी ऑर्बिटल्स, जो भी डी ऑर्बिटल्स बनाए थे उन्हीं को शो किया है,
ठीक है, तो उन डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स और लिगेंड के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में रिपल्शन हुई तो कुछ एनर्जी बढ़ गई। अब नेक्स्ट चीज आप ध्यान से सुनेंगे, नेक्स्ट चीज बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये क्या आप लिगेंड्स के करते हैं, अपने आप को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, लिगेंड्स के करेंगे। अब देखो और पास आएंगे, अब आप किसी स्कूल में पढ़ रहे हो तो वहां पर बेंचेस लगे हुए हैं ना, स्कूल में पढ़ रहे हो बेंचेस लगी हुई हैं, या बेंचेस भी छोड़ो आप किसी लाइन में खड़ा होना चाहते हो तो आपको पता है भी ये लाइन बनी हुई है तो मैंने यहीं आके खड़ा होना है, ये तो नहीं है ना आप साइड पे जाके खड़े हो जाओगे, जब एक लाइन बनी हुई है अभी आपने यहीं खड़ा होना है तो आप यहीं खड़े होगे, है ना। सिमिलरली एक पैटर्न बना हुआ है तो लिगेंड्स क्या करते हैं, अपने आप को उस पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। लिगेंड्स कहाँ कहाँ आ जाते हैं, लिगेंड्स यहाँ आ जाते हैं इन बिटवीन द एक्सिस, कहाँ अटैक करेंगे, इन बिटवीन द एक्सिस अटैक करेंगे। लिगेंड्स ने कहाँ अटैक किया, इन बिटवीन द एक्सेस। ऑक्टाहेड्रल के केस में लिगेंड्स कहाँ अटैक करते हैं, लिगेंड्स चारों कॉर्नर्स पे और ऊपर और नीचे अटैक करते हैं, लेकिन टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, लिगेंड्स कहाँ अटैक करते हैं, इन बिटवीन द एक्सेस अटैक करते हैं। अब लिगेंड्स ने इन बिटवीन एक्सेस अटैक किया तो क्या हुआ, ये लिगेंड्स के बीच में क्या हुए, इन लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स और इनके बीच में क्या हुए, रिपल्शन होनी शुरू हो गई। अब आप ध्यान से देखो, पहला केस क्या था, अपने डी ऑर्बिटल्स नॉर्मल थे, फिर उनकी कुछ एनर्जी बढ़ी। अब देखो लिगेंड्स किसके पास हैं, लिगेंड्स हैं डी एक्स वाई ऑर्बिटल के पास, डी वाई जेड के पास, डी जेड एक्स के पास, है ना। पहले ऑक्टाहेड्रल के केस में वो किसके पास थे, डी जेड स्क्वायर और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के, लेकिन अब लिगेंड्स के इलेक्ट्रॉन्स किस लोब के पास है, टी टू जी वाले लोब्स के पास, यानी कि जो इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं उनके पास अटैक किया लिगेंड ने, तो एनर्जी किसकी ज्यादा होगी, अगर इनके बीच में रिपल्शन ज्यादा तो इनके बीच में एनर्जी ज्यादा होगी, किसकी ज्यादा होगी, टी टू जी वाले की। तो टेट्राहेड्रल के केस में ऊपर बनेंगे तीन ऑर्बिटल और नीचे बन जाएंगे दो ऑर्बिटल, ये होंगे टी टू जी वाले और ये होंगे ई जी वाले। टी टू जी वाले वो ऑर्बिटल्स होते हैं जिनके लोब्स इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, एक्स वाई के बीच में है डी एक्स वाई, लिगेंड यहीं से आया तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना। सिमिलरली यहाँ वाई जेड है तो लिगेंड यहाँ से आया तो इसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना डी वाई जेड वाले की। एक्स वाई के बीच में प्लेन है तो यहाँ इसकी एनर्जी ज्यादा होगी ना, तो टी टू जी वालों की एनर्जी ज्यादा होगी। और ई जी वाले, ई जी वाले कौन से हैं, डी जेड स्क्वेयर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। क्या लिगेंड यहाँ डी जेड के ऊपर आया, नहीं आया। क्या लिगेंड डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के ऊपर आया, नहीं आया। तो इनकी एनर्जी क्या रह गई, कम रह गई। तो ये अपना क्या बन जाएगा, एनर्जी लेवल डायग्राम बन जाएगा। सबसे पहले इस डायग्राम को नोट करो, फिर उसके अंदर और भी चीज़ें जो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। सो हाँ जी स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था भाई, टेट्राहेड्रल के केस में क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर होता है चार, और इसके अंदर क्या होते हैं, चार लिगेंड्स अटैक करते हैं सेंट्रल मेटल एटम पे। कोऑर्डिनेशन नंबर चार होने का मतलब होता है भी चार लिगेंड्स, नंबर ऑफ लिगेंड्स, राइट। ऑक्टाहेड्रल का केस भी एक बार आपको मैं दोबारा से बता देती हूँ, हल्की सी रिविजन हो जाएगी सो दैट हम कंपेरिजन कर सकें, लेकिन उससे पहले टेट्राहेड्रल को पूरा कंप्लीट करेंगे। तो देखो ऑक्टाहेड्रल में एक हल्का सा यहीं पर रिव्यू देती हूँ, देखिए उसमें भी जब मैं बनाती थी ना, मतलब ये जेड एक्सिस है, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये माइनस एक्स है, ये मेरा वाई है, ये मेरा माइनस वाई है, तो मैंने यहाँ पर लोब्स बना दिए, ये मेरा डी जेड स्क्वायर हो जाएगा, ये डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, है ना। अब कोऑर्डिनेशन नंबर छः होता है ऑक्टाहेड्रल के केस में, तो छः लिगेंड्स अटैक करते हैं और वो ऐसे अटैक करते हैं, चार लिगेंड्स तो इधर इधर चारों साइडों पे, एक लिगेंड ऊपर और एक लिगेंड नीचे, जिसके कारण क्या होता है, लिगेंड्स अटैक कर रहे हैं सिर्फ ईजी वाले ऑर्बिटल्स पर, यानी कि डी जेड स्क्वायर पे और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पर। तो ईजी वालों का जो है एनर्जी ज़्यादा होती है, तो इसीलिए ऊपर दो डब्बे बनते हैं उसमें और नीचे तीन ऑर्बिटल्स बनते हैं। लेकिन अब टेट्राहेड्रल के केस में आप समझ पा रहे होंगे, यहाँ पर क्या है, चार लिगेंड्स अटैक कर रहे हैं, और वो कहाँ अटैक कर रहे हैं, वो इन बिटवीन द हमारे यहाँ अटैक कर रहे हैं एक्सिस, समझ रहे हो। यहाँ पर क्या था, देखो चारों कॉर्नर्स पे और ऊपर और नीचे, लेकिन यहाँ पर वो चारों कॉर्नर्स पे और ऊपर नीचे नहीं कर रहे, वो इन बिटवीन द एक्सिस कर रहे हैं, यानी कि वो किससे अफेक्ट कर रहे हैं, वो उन लोब्स को अफेक्ट कर रहे हैं जो इन बिटवीन द एक्सिस बनते हैं, मतलब डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। देखो एक्स वाई के बीच में क्या होगा, डी एक्स वाई, वाई जेड के बीच में क्या होगा, डी वाई जेड, एक्स जेड के बीच में क्या होगा, डी एक्स जेड। तो इन लोब्स को वो अफेक्ट कर रहे हैं क्योंकि लिगेंड्स इधर से आ रहे हैं। अफेक्ट करने का मतलब क्या होता है, अभी लिगेंड्स के पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं और उनके पास भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो दोनों में रिपल्शन हो रही है,
तो उनकी एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिस कारण इस केस में क्या होता है, टेट्राहेड्रल में T2G की एनर्जी ज़्यादा होती है EG से, यानी कि इन तीनों की एनर्जी, इन बिटवीन वालों की एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी ऑन द एक्सिस वालों के कंपैरेटिव, क्योंकि प्रीवियस केस में क्या था, ऑन द एक्सिस वाले पे वो आ रहे थे, DZ² इधर बना हुआ लोब DX²Y² वाले पे आ रहे थे, तो यहाँ पर EG की एनर्जी ज़्यादा थी। तो डिफरेंस को याद करके चलना। एक और डिफरेंस है, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि CFSC का खेल बदल जाता है। ऑक्टाहेड्रल में मैंने बोला था जो नीचे की वैल्यू होती है ना, ये -0.4 होती है और ये होती है +0.6, और यहाँ पर अगर आप इसकी वैल्यू देखोगे ना, तो नीचे वाली वैल्यू जो हमारी होती है -0.6, और जो ये वाली वैल्यू होती है ये होती है +0.4। ठीक है, अब मैं इसी वाले डायग्राम को, टेट्राहेड्रल वाले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम को दोबारा से बनाती हूँ। ठीक है, अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर ध्यान से इस डायग्राम को मैंने इसलिए सिखाया भी, आपको रीज़न पता होना चाहिए भी T2G की एनर्जी ज़्यादा क्यों होगी। पेपर में आता है तो ये डायग्राम के साथ साथ आप लिख के भी आएंगे, दी लिगेंड्स कम क्लोजर टू द लोब्स विच इज प्रेजेंट इन बिटवीन द एक्सिस। ठीक है, उन लोब्स के पास आएगा, दैट्स वेयर द एनर्जी ऑफ T2G ऑर्बिटल्स इंक्रीजेज एज कम्पेयर टू EG ऑर्बिटल्स। ठीक है, अभी ये चीज़ आपको नोट भी करवा दूंगी, लेकिन उससे पहले क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, उसको समझने के लिए क्या है, पहले क्या होता है, नॉर्मली हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स हैं, 5। ठीक है, फिर क्या हुआ, उनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी। थोड़ी सी एनर्जी क्यों बढ़ेगी डियर स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनिएगा, थोड़ी सी एनर्जी क्यों बनेगी बढ़ेगी, क्योंकि लिगेंड्स कुछ पास आए, अभी बहुत पास नहीं है, कुछ पास आए, तो हल्की हल्की रिपल्शन तो शुरू हो रही है ना। नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, एकदम से एनर्जी बढ़ जाती है किन की, T2G वालों की, और EG वालों की एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये जो सेंटर होता है ये कहलाता है बैरी सेंटर, ये कहलाता है बैरी सेंटर, ये जो डिफरेंस होता है ये कहलाता है -0.6 Δt, ये डिफरेंस कहलाता है +0.4 Δt, और ये ओवरऑल गैप कहलाता है Δt। पिछले वाले में ऑक्टाहेड्रल था तो Δo कहलाता था। ठीक है, ये क्या है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल केस, इसलिए Δt है। अब CFSC वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, सेम वही तरीके से कैलकुलेट करेंगे जैसे मैंने प्रीवियस में सिखाया था। क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी होती है CFSC वैल्यू, क्या, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए मान लो मैं बोलती हूँ D1 है, D1 का मतलब क्या हुआ, एक इलेक्ट्रॉन है, ध्यान से समझिएगा, D1 का क्या मतलब हुआ, एक इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन कुछ एनर्जी बढ़ी एक इलेक्ट्रॉन की। अब वो एक इलेक्ट्रॉन कहाँ भरा जाएगा, वो एक इलेक्ट्रॉन लोअर एनर्जी लेवल में भरा जाएगा, फिर वो हायर एनर्जी में, सबसे पहले हम नीचे वाले को भरते हैं, ये ऐसे होता है, मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है ना। तो लोअर एनर्जी से इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे, एक इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन ऊपर नहीं बल्कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से भरेंगे, पहले नीचे भरो फिर ऊपर जाओ, तो एक इलेक्ट्रॉन यहां भर दिया। अब इसकी CFSC वैल्यू क्या होगी, देखो इसका गैप कितना, 0.6, कितने इलेक्ट्रॉन है, एक, तो 0.6 × 1 प्लस इसका गैप कितना है, +0.4, और कितने इलेक्ट्रॉन है ऊपर, 0, तो ये किसके इक्वल है, CFSC वैल्यू के, कितना आ जाएगा, -0.6 Δt आ जाएगा। ठीक है, ये किसके केस के लिए था, ये अपना केस था जब अपना एक इलेक्ट्रॉन होता है। अब मान लो मैं कहती हूँ दो इलेक्ट्रॉन है तो एक इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरा इलेक्ट्रॉन, अब सेकेंड इलेक्ट्रॉन यहाँ भरेंगे, है ना, हमारा हंड्स रूल क्या कहता है, पहले ऑर्बिटल्स भर लो, यहाँ भरेंगे। अब इसकी CFSC वैल्यू कैलकुलेट करें, जब इसकी CFSC वैल्यू आप कैलकुलेट करते हैं डियर स्टूडेंट्स, तो क्या आएगी, देखो दो इलेक्ट्रॉन्स नीचे हैं तो 2 × -0.6 प्लस ऊपर एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं है तो 0 × 0.4, कितना आ जाएगा, -1.2 Δt, क्या आ जाएगा, -1.2 Δt। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, ये आप स्प्लिटिंग CFSC वैल्यू निकाल सकते हैं, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। पहले तो एक बार इसको नोट करो। एक चीज़ आपको इसमें और बताती हूँ, भी जो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस होते हैं ना, ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं, हमेशा हाई स्पिन होते हैं। अब हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स कौन से होते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होते हैं वीक फील्ड लिगेंड वाले, समझो इस चीज़ को।
पिछले केस में मैंने आपको बोला था स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग होगी, वीक फील्ड लिगेंड होगा तो पेयरिंग नहीं होगी। अब ये सारे हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स वाले हैं, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड वाले हैं, यानी कि अब जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आप भरोगे ना तो यहाँ नीचे नहीं भरोगे, ऊपर भरोगे। हमेशा टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होगा, लो स्पिन कॉम्प्लेक्स अक्कर ही नहीं करेगा। तो इस वजह से जब थर्ड इलेक्ट्रॉन आप यहाँ भरने लगे हैं तो थर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं आएगा बल्कि यहाँ आएगा, क्योंकि वीक फील्ड लिगेंड कहता है भी पेयरिंग नहीं होगी। और ऑक्टेट्रल में क्या होता था, दो केसेस होते थे, एक वीक फील्ड वाला, एक स्ट्रॉन्ग फील्ड वाला। वीक फील्ड में तो ऐसे ही करते थे, पहले सारों के एक एक इलेक्ट्रॉन भर दो फिर पेयरिंग करवाओ। लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड कहता था पहले पेयरिंग करवाओ, पहले नीचे वाले पूरे भरो फिर ऊपर जाओ। लेकिन टेट्राहेड्रल है तो सिंपल अपने वीक फील्ड लिगेंड ही लेके चलना है, ठीक है। तो अब इसकी सी एफ एस सी निकालूंगी तो क्या होगा, 2 × −0.6 + 1 × 0.4 तो ये आ जाएगा −0.8 डेल्टा टी। इस तरह से हम सी एफ एस सी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखना है भी जो हमारे टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स होता है ये हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स शो करता है, यानी कि वीक फील्ड लिगेंड का केस ही आता है, ठीक है। टेट्राहेड्रल के अंदर बोल रही हूँ मैं, ठीक है। फटाफट से डियर स्टूडेंट्स वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे, मैं आपको थ्योरी वाला जो पोर्शन है वो नोट करवाती हूँ। सो यस स्टूडेंट्स, जैसे कि मैंने बोला जो चीज़ अभी मैंने आपको एक्सप्लेन की उसको एक बार नोट करते हैं। व्हेन फोर लीगेंड्स क्यों, क्योंकि टेट्राहेड्रल में कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होता है। सो व्हेन फोर लीगेंड्स अप्रोचेस, जब वो पास आते हैं टेट्राहेड्रली, ठीक है, टेट्राहेड्रली अटैक करते हैं, इसी वजह से इन बिटवीन द एक्सेस आते हैं। देन इट बिकम्स नियरर टू द ऑर्बिटल ऑफ टी टू जी, तो वो टी टू जी ऑर्बिटल्स के पास आ जाते हैं, यानी कि डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स के पास आ जाते हैं, एंड फार अवे फ्रॉम द ऑर्बिटल ऑफ ई जी। और जो ई जी ऑर्बिटल्स होते हैं जैसे डी एक्स स्क्वायर, सॉरी डी जेड स्क्वायर, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इनसे वो दूर हो जाते हैं। पास किसके आते हैं, टी टू जी के पास आते हैं, यानी कि वो डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स के पास आते हैं और ई जी वालों से दूर हो जाते हैं, जिसके कारण जो टी टू जी वाले होते हैं उनकी एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, क्योंकि उनमें रिपल्शन होती है। एक चीज़ और याद रखिएगा, ये भी कई बार पूछ लेते हैं, डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ, ये रिलेशन पूछ लेते हैं टेट्राहेड्रल और जो ऑक्टाहेड्रल है उनके बीच का। तो ये रिलेशनशिप है दैट डेल्टा टी इज इक्वल्स टू 4/9 ऑफ डेल्टा ओ। अब जैसे प्रीवियस क्लास में मैंने आपको एक टेबल बनवाया था, मैंने आपको कहा था भी आप वैल्यूज निकालिए D1, D2, D3, तो आप वो निकाल सकते हैं, आपसे पेपर में पूछे जा सकती हैं, वो सिंपल सी चीज़ है, वो आप कर लेंगे। क्योंकि मैंने आपको बता दिया भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स जो होता है हमेशा से हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स होता है, यानी कि जो वीक फील्ड लिगेंड है उसके लिए ही अप्लाई किया जाता है। एक चीज़ ये स्टूडेंट्स, ये जो हमारा टॉपिक था टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के अंदर क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग, ये तो यहीं फिनिश होता है, लेकिन जो सेकंड पार्ट है वो ये है भी कई बुक्स में आपको देखने को मिलेगा, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और शायद एनसीईआरटी में नहीं है, तो ये कॉम्पिटेटिव पर्पज़ के लिए भी पूछा जाता है, इस वजह से मैं आपको करवा रही हूँ। तो अगर आपके सिलेबस में नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हो, कोई इशू वाली बात नहीं है, लेकिन कुछ भी नहीं है, एक बार देख लोगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। लेकिन कॉम्पिटेटिव में है तो मैं आपको करवाऊंगी। तो देखिए, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, एनसीईआरटी में चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एक बारी चेक कर लीजिएगा, होगा तो कर लीजिएगा, और कॉम्पिटिटिव के लिए मैं तो जरूर बोलूंगी भी करो, क्यों नहीं करना, छोटा सा टॉपिक है, कर लेना चाहिए। तो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स में भी देखिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 ही होता है। तो पहले मैं सेंट्रल मेटल एटम का स्ट्रक्चर बनाऊंगी, ये मेरी जेड एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस, ये मेरी माइनस एक्स एक्सिस, ये मेरी वाई एक्सिस, ये मेरी माइनस वाई एक्सिस। अब यहाँ देखिए डी जेड स्क्वायर ऐसे बनेगा, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ऐसे बनेगा। पहले इतना बना लो फटाफट से, वीडियो को पॉज करके पहले इसको बना लो, फिर आगे बढ़ेंगे। इतनी चीज़ हर किसी में सेम है, इतनी चीज़ हर किसी में सेम क्यों है, क्योंकि सेंट्रल मेटल एटम बना रहे हैं ना, लिगेंड्स नहीं अभी शो कर रहे, ठीक है। इतना लिख लीजिए, वीडियो को पॉज करके कर लेना, ठीक है। अब देखो, टेट्राहेड्रल में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 था और स्क्वायर प्लेनर में भी कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो यहाँ पर जो लिगेंड्स है पहले थोड़ी सी पास आएंगे, तो क्या होगा, देखो जैसे ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, इनकी एनर्जी थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। अब नेक्स्ट केस में क्या होता है, लिगेंड्स अपने आपको कैसे अरेंज करेंगे, एक लिगेंड इस कोने पे,
एक लिगेंड इस कोने पे, एक लिगेंड इस कोने पे और एक लिगेंड इस कोने पे, यानी कि जो चारों लिगेंड है ना वो चारों चारों कोने पे जुड़ जाएंगे। तो अब किसकी एनर्जी ज़्यादा होगी? पहले देखो जो अपना ईजी वाला होता है उसमें एनर्जी किसकी ज़्यादा है, मतलब एनर्जी वाला भी छोड़ दो, पहले ये देखो किसके पास है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के पास है, तो सबसे ज़्यादा एनर्जी किसकी होगी, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, ठीक है। देखो इसकी होगी क्योंकि लिगेंड्स इसके पास हैं इस बार, तो डी जेड स्क्वायर के भी पास नहीं है, लिगेंड्स ने चारों कोनों पे अपने आप को अरेंज कर लिया, यानी कि डी एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर पे अपने आप को अरेंज कर लिया, तो इसकी एनर्जी ज़्यादा होगी। सेकेंड स्टेप देखो, अब ये लिगेंड्स देखो सेकेंड में एनर्जी लेवल किसका आएगा, किसकी, मतलब डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की तो सबसे ज़्यादा, उससे कम किसकी होगी। अब एक लिगेंड इधर है एक लिगेंड इधर है, तो इसके बीच में जो लोब होता है वो डी एक्स वाई होता है, अभी x और y एक्सिस के बीच में बन रहा है, तो इसके बीच का लोब डी एक्स वाई होगा। तो यहाँ पे क्या होगी डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर एनर्जी एज कंपेयर टू डी एक्स स्क्वायर ज्यादा होगी। अब एक और लोब बनेगा डी एक्स वाई का, फिर एनर्जी किसकी आएगी, डी जेड स्क्वायर की, और फिर सबसे कम किसकी आएगी, डी वाई जेड और डी एक्स जेड की। समझो मैंने कैसे बनाया इस चीज को, समझो। पहले आपा देखो, आपा केस लेते हैं ऑक्टाहेड्रल का। ऑक्टाहेड्रल का केस क्यों ले रही हूँ, क्योंकि उसमें भी चारों कोनों पे अटैक था और ऊपर नीचे अटैक था, तो ऑक्टाहेड्रल के अकॉर्डिंगली यहाँ चारों कोनों पे अटैक है, तो सबसे ज्यादा एनर्जी ईजी वालों की होनी चाहिए। अब ईजी में से सबसे ज्यादा किसकी है, डी जेड स्क्वायर की तो नहीं होगी क्योंकि ऊपर नीचे और कोई लिगेंड नहीं आया, तो किसकी है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की, इसकी कर दी। अब नेक्स्ट डी जेड स्क्वायर की होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डी एक्स वाई जो है वो वाई और एक्स एक्सिस के बीच में लो प्रेजेंट है, और वाई मतलब वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस पे लिगेंड है, तो कहीं ना कहीं ये भी रिपल्शन फेस करेगा, तो इसकी एनर्जी कुछ ज़्यादा हो जाएगी एज कम्पेयर टू डी वाई जेड और डी जेड एक्स, तो ये इनको छोड़ के ऊपर पहुँच जाएगा, इनको छोड़ के ऊपर पहुंच जाएगा, तो इसकी एनर्जी डी जेड स्क्वायर से भी ज़्यादा हो जाएगी, और हमारा जो स्ट्रक्चर है वो ये बन जाएगा। अब जब हम इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स भरने लगते हैं, तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, फिर इधर, ऐसे भरेंगे, लोअर से हायर चलेंगे। तो ये आप एक बार नोट कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स। डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर की इसलिए ज़्यादा हुई क्योंकि लिगेंड्स बिल्कुल उसके ऊपर हैं, और फिर ज़्यादा किसकी होगी, डी एक्स वाई की, क्योंकि लिगेंड्स उसके बिल्कुल पास है, फिर किसकी होगी, डी जेड स्क्वायर की, ऊपर और नीचे, और फिर सबसे कम होगी डी वाई जेड और डी एक्स जेड की। सो डियर स्टूडेंट्स, वीडियो को पॉज करके इसको नोट करेंगे। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो यहीं पर जो हमारा आज का वीडियो लेक्चर है ये फिनिश होता है। आज के इस वीडियो लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग इन टेट्राहेड्रल एंड स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स, और यहीं पर हमारी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग भी कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर हमारा लास्ट वीडियो लेक्चर होने वाला है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का, जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे अबाउट आइसोमेरिज्म। सो अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करना है, बहुत अच्छा लगा है तो कमेंट करना है, शेयर करना है, और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करना है। थैंक्स अ लॉट डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ।